चैप्टर 10 द ओपिनियंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षिणाम भर्गोरहाम गिराम अस्मै एकाम अक्षराम यज्ञानाम जापा यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालया। ऑफ द ग्रेट सेजेस आई एम भृगु, ऑफ वाइब्रेशंस आई एम द ट्रांसेंडेंटल ओम, ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम जापास, एंड ऑफ इमूवेबल थिंग्स आई एम द हिमालयस। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो कृष्ण भगवान है वो जब बहुत बड़े बड़े साधु थे, उसमें से भृगु जो साधु है वो भृगु है, और जितने भी सारे वाइब्रेशंस है, जितने भी सारे मंत्र जाप है, उसमें से ओम वो खुद है, और फिर जितने भी सैक्रिफाइसेस होती है, उस जितने भी जाप हम करते हैं, उन सब में वो अवेलेबल है। एंड इमूवेबल थिंग्स मतलब जो सारी चीज़ें हिलती नहीं है, उन सब में भी वो है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। ब्रह्मा द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर विद इन द यूनिवर्स क्रिएटेड सेवरल सन्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज। अमंग दिस सन्स भृगु इज द मोस्ट पावरफुल सेज। मतलब बहुत सारे ब्रह्मा के बहुत सारे उन्होंने बेटे थे, उन सारे बेटों में से सारे ही साधु बन गए, तो उनमें से जो भृगु साधु है वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। और ऑफ ऑल द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस ओम रिप्रेजेंट्स कृष्णा। ओम जो वाइब्रेशन है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। निलेश ऑल सैक्रिफाइसेस द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इज द प्योरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। समटाइम्स एनिमल सैक्रिफाइसेस आर रिकमेंडेड, बट इन द सैक्रिफाइस ऑफ हरे कृष्ण देर इज नो क्वेश्चन ऑफ वायलेंस, इट इज सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट। तो जितने भी सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं उसमें से हरे कृष्ण महामंत्र सबसे अच्छा होता है। वट एवर इज सब्लाइम इज द इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। जितने भी सब्लाइम चीजें होती है, जो उग जाती है, वो सब में कृष्ण होते हैं। देयर फॉर द हिमालय द ग्रेटेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट हिम। जो रहती है, जो उड़ जाती है उसमें भी है, जो रहती है उसमें मैं सब जगह पे कृष्ण है। द माउंटेन नेम्ड मेरु वॉज मैंशनड इन द प्रीवियस वर्स। हमने पिछले वर्ष में मतलब पिछले श्लोक में देखा था कि मेरु पर्वत में भी कृष्ण है, बट मेरु इज समटाइम्स मूवेबल। मेरु थोड़ा थोड़ा मूव करता है, हिमालयस भी करते हैं, हमने ज्योग्राफी में देखा है, पर हर एक स्तर में जो मूव करे ना करे हर जगह पे है कृष्ण है। यही तक था श्लोक नंबर 25। अगले दिन श्लोक 26 को कवर करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री राम।